फरवरी 2022 में वेरेंजुला नामक के शिप 4000 लग्जरी कार्स और इलेक्ट्रिक कार्स लेकर जर्मनी से अमेरिका के लिए चल पड़ा, लेकिन समुन्दर के बीच में एक इलेक्ट्रिक कार का बैटरी में आग लग गया। देखते देखते ये आग पूरा शिप में फैल गया। इस शिप में लैम्बोर्गिनी, बेंटले, ऑडी और पोर्श जैसे लग्जरी कार्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक कार भी थी। पूरा का पूरा 4000 कार्स पानी में डूब गया, लेकिन शिप में मौजूद सभी लोगों को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया।